मैडम कि आपको क्या यही नहीं मालूम कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? जी क्या यू हैव बीन गिवन दिस फाइल टू आर यू ऑन बिहाफ ऑफ समबडी? लॉर्ड साहब, आपको आप ये किस, मालूम है कि नहीं क्या पढ़ना है कोर्ट में? आप वो इरेलीवेंट चीज पढ़ रही हैं, उसका कोई मतलब है? कब से प्रैक्टिस कर रही हैं आप? यू आर वेस्टिंग टाइम कि बंद कमरे में किया वो, हम पढ़ लेते हैं उतना तो हमको आता है? मैं उस दिन ग्राम बेलखेड़ी में अपना कितने सब, साल से प्रैक्टिस कर रही हैं आप, पहले इस बात का तो जवाब दीजिए। फॉर हाउ मेनी इयर्स यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग लॉ? 15 15 ईयर। साल हो गए। यस ट्रायल कोर्ट में रहती हैं कि आप? कभी हाई कोर्ट में तो देखा नहीं आपको? जी बढ़िए, क्या रिलेवेंट है उतना बताइए। वियोजन कहानी पैरा 3। वियोजन का मामला इस प्रकार है कि 24 अगस्त 2000 को जन्मे मध्य प्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 16 पर भी निर्दिष्ट गौण जनजाति की बालिका पालक अभियुक्ति का अपने नाना नानी के साथ रहकर 4थी कक्षा में पढ़ती रही और उसके माता पिता ग्राम बेलखेड़ी थाना ठेमी जिला नरसिंहपुर स्थित जगदीश महाराज के खेत में रहकर मजदूरी करने रहे। अस्वस्थ होने के कारण वह 10-15 दिन पूर्व ही अपने मम्मी पापा के पास बेलखेड़ी आई। अभियुक्त पूरन प्रजापति भी जगदीश महाराज का ट्रैक्टर चलाता रहा और अभियुत्री का के माता पिता के स्थित खेत में स्थित निवास स्थान पर आता जाता रहा। 3 मार्च 2019 को जब पीड़ित बालक अभियुत्री का के माता पिता और भाई काम पर गए हुए थे और बालक अभियुत्री घर पर अकेली होने से घर की दहलान में रखे पलंग पर कंघी कर रही थी, तब दिन के लगभग 12 से 1 बजे के बीच में अभियुक्त वहां पहुंचा और अभियुत्री का को गुटखा पैकेट दिखाकर गुटखा खाने की बात कही। अभियुक्त्री का ने गुटखा खाने से मना कर दिया तो अभियुक्त ने अभियुक्त्री का को 10 रुपए का नोट दिया। बालक अभियुक्त्री का ने नोट लेने से मना कर दिया और अभियुक्त को उसका 10 रुपए का नोट भी वापस कर दिया। अभियुक्त ने बालक अभियुक्त्री सुअनसो लॉर्डशिप PW11 डॉक्टर डॉक्टर मधु सक्सेना। एक मिनट रुकिएगा। PW11 एक डॉक्टर मिनट चाहिए। जी PW PW11 डॉक्टर मधु सक्सेना। वो क्या बताएंगी? मैं दिनांक 4/3/2019 को जिला चिकित्सालय सालन नरसिंहपुर में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को महिला आरक्षक सोनम थाना ठेमी द्वारा रात्रि 12:18 बजे पीड़ित अभियोत्री उम्र 10 को मेरे समक्ष मेडिकल जांच के लिए लाई थी। डॉक्टर साहब, कोई इंजूरी नहीं है, कहीं भी कोई चोट नहीं है। लाट सिर्फ प्रोसिक्यूटर को क्या सजेशन दिया? प्रोसिक्यूटर यस लाट सिर्फ से PW PW2 लॉक्स PW2 लाट सिर्फ साक्षी का बंद कमरे में विचारण इस बात प्रारंभ किया गया कि उसका साक्ष्य के दौरान अभियुक्त से सामना ना हो। साक्षी से पूछा कि मैडम वो आपको क्या यही नहीं मालूम कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? जी क्या यू हैव बीन गिवन दिस फाइल टू आर यू ऑन बिहाफ ऑफ समबडी? लॉर्ड साहब, आप आपको ये किस मालूम है कि नहीं क्या पढ़ना है कोर्ट में? आप वो इरेलीवेंट चीज पढ़ रही हैं, उसका कोई मतलब है? कब से प्रैक्टिस कर रही हैं आप? यू आर वेस्टिंग टाइम कि बंद कमरे में किया वो, हम पढ़ लेते हैं उतना तो हमको आता है? मैं उस दिन ग्राम बेलखेड़ी में अपने घर की दहलान में तखत पर बैठकर कंघी कर रही थी। दोपहर का कितने सब साल से प्रैक्टिस कर रही हैं आप, पहले इस बात का तो जवाब दीजिए।
For how many years you have been practicing law? 15 years. 15 साल हो गए. Yes. क्या ट्रायल कोर्ट में रहती हैं कि आप कभी हाई कोर्ट में वो देखा नहीं आपको? जी बढ़िए. क्या रिलेवेंट है उतना बताइए. लाडशिप क्राइम क्राइम हुआ नहीं है. लाडशिप केवल झूठी घटना बता दी गई है. तो यही तो पूछ रहे हैं क्या क्यों किस कारण से झूठी घटना बना दी गई है. तो कुछ क्या पूछा है आपने? लाडशिप उतना रिलेवेंट पैरा पढ़ के बताइए. अभियोत्री के पिता ने जगदीश महाराज से 1,00,000 रुपए का कर्ज लिया था. कर्ज उतर नहीं रहा था. कर्ज चुकाने के लिए उसे झूठा फंसाया गया है क्योंकि रिपोर्ट. जगदीश महाराज का और पूरन कुमार का क्या संबंध है? जी उनके यहाँ काम करते थे. उसको क्यों फंसा देंगे? फंसाने से जगदीश महाराज का कर्ज कैसे खत्म हो जाएगा? अभियोत्री के पिता जगदीश महाराज अभियोत्री के पिता भी जगदीश महाराज के यहाँ काम करते थे. नहीं समझ गए आपकी बात. अभियोत्री के पिता ने 1,00,000 रुपए का कर्ज लिया जगदीश महाराज से. अगर वो कर्ज चुक नहीं रहा है तो जगदीश महाराज को फंसाते वो. इस पूरन को फंसाने से उनको क्या लाभ मिलेगा? लाडशिप क्योंकि रिपोर्ट करने से उन्हें पैसा मिल जाएगा. अच्छा अच्छा SC ST की है. यस लाडशिप. ऐसा सजेशन कहाँ है बताइएगा. लाडशिप जजमेंट के पैरा पांच थ्री है. जजमेंट के पैरा पांच जजमेंट के पैरा पांच में क्या लिखा है? अभियोत्री का के पिता ने जगदीश महाराज से 1,00,000 रुपए का कर्ज लिया था. कर्ज उतर नहीं रहा था. वे कार्य भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे और भाग जा रहे थे. कर्ज चुकाने के लिए झूठा फंसाया गया क्योंकि उसके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने से उन्हें पैसा मिल जाएगा. नाम बताइए मैडम. विनीता राय. मिसेज विनीता राय लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट पूरन कुमार. इट इज सबमिटेड दैट अपीलेंट